हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आओ देखो वाल्मीकि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और वनौषधि कंद के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके सारे गुण, उसके सारे उपयोग, उसके सारे फायदे आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज की यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी से अवगत कराएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन जो दिख रहा है उसे टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो घंटी का निशान आता है उसको भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस कंद के बारे में आप लोगों को पूरी पूरी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, आज आप इस कंद के पौधे को अच्छे से पहचान लीजिए। कभी भी आपको भविष्य में यह दिखाई दे तो आप भूलना मत, इसको ले आना घर में, और लाने के बाद घर में कोला में बाड़ी में लगा सकते हो। यह पानी की जहाँ व्यवस्था होती है, बरसात के अगर मौसम में लगा दोगे तो यह एक बार जीवित हो जाता है, तो हर वर्ष इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार लगाने की आवश्यकता होती है। तो इसको आप ला करके अपने कोलाबाड़ी में घर आंगन में लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी औषधि है दोस्तों। अगर इसको आप लगा करके रखे रहोगे तो कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसका इस्तेमाल तुरंत कर सकते हो। तो इसको अभी तो फिलहाल आप जंगल में जाओगे तो मिल जाएगा देखने को। दोस्तों, इसको हमारे तरफ इस कंद की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है, लोग इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं अपनी शारीरिक के जो भी प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसका कंद का प्रयोग कैसे किया जाता है और कौन कौन से बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी कमज़ोरी सताती है, किसी को कमज़ोरी रहती है, शरीर में थकान महसूस होती है, आलस्य महसूस होता है, जैसे 40 के बाद बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है मनुष्य का, तो उसको जोड़ों का दर्द चालू हो जाता है, जॉइंट पेन, गठिया, साइटिका, दमा, सांस, टीबी, ये सब चीज़ जो बुढ़ापे वाली बीमारी होती है, ये सब चीज़ अगर सताती है तो उसको अगर ये सब चीज़ सेवन कराया जाए इस कंद का उसको अगर इस कंद का सेवन कराया जाए नियमित रूप से, तो उसका जो भी दमा, सांस, टीबी, गठिया, साइटिका, जॉइंट पेन, जितने भी दर्द होते हैं बुढ़ापे के लक्षण वाली, वो सब ख़त्म हो जाती है। यानी कि दोस्तों, यह शरीर में फिर से नए जान डालने वाला, शरीर में उमंग भरने वाला, शरीर में नया खून बढ़ाने वाला, नया जोश जगाने वाला और ब्लॉक नसों को खोलने वाला होता है। यह औषधि बहुत ही कारगर औषधि है दोस्तों। जो आदिवासी लोग आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं वे लोग इसको बरसों से जो लोग खाते हैं वे कभी भी बुढ़ापा आने के बाद भी वे लोग कमज़ोर नहीं होते हैं, और वे कभी भी अपने बुढ़ापे जीवन में निराशा उदास ज़िंदगी नहीं बिताते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर हम इस कंद को खाते रहेंगे तो हमें बुढ़ापा नहीं सताएगी और हम आसानी से अपने बुढ़ापे वाली ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो इस तरह से ये लोग खाते रहते हैं इस तरह के कंद को जंगलों में जो मिलता है उसको, और हमेशा स्वस्थ जीवन बिताते रहते हैं। तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हो और बिल्कुल आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हो दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से देख करके पहचान लीजिए। अब इसको खाना कैसे है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसको तो पहचान लिए आप, तो इसको कंद को इसके पौधे को जब दिखे तो इसको खोद करके निकाल लेना। इसका कंद जो इस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखाई देगा, आप इसको पहचान रहे हैं, अच्छे से इसको देख के पहचान लो। अब उसके बाद इसके कंद निकालने के बाद इसको सुखा करके इसका चूर्ण बना करके दूध के साथ भी खा सकते हो, एक एक चम्मच सुबह शाम नाश्ते के बाद, या फिर इसको अगर ऐसे ही खाना चाहते हो तो कंद को खोद करके निकालने के बाद इसको आग में भून लेना। भूनने के बाद उसका ऊपर का छिलका छील लेना, उसके बाद नाश्ता के बाद इसको चबा चबा के ऐसे ही खा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह किसी भी तरह से खाओ काम 100% करता है। इसको शहद में लगा करके खा सकते हो, या फिर ऐसे ही इसका कच्चा चटनी पीस करके भी खा सकते हो। कसैला कड़वा थोड़ा हल्का होता है और खाने में कोई परेशानी नहीं होती है, आराम से कोई भी खा सकता है। तो यह बहुत अच्छी दवाई है कमज़ोरी भगाने के लिए, शरीर सभी प्रकार के शरीर की जो विषैले तत्व है उसको बाहर निकालने के लिए। तो इसको आप निसंकोच इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने शरीर को फिटनेस बनाने के लिए, अपने शरीर की जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए। अगर आप इसको नियमित सेवन करते हो तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं आप क्या बताऊँ, आपको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसको, बच्चे से लेके बूढ़े तक के कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें दो राय वाली बात नहीं है कि बुढ़ापा में ही यूज़ करना है कि जवान में यूज़ करना है, ऐसा कुछ बात नहीं है। इसको आप कोई भी यूज़ कर सकता है, नॉर्मली कोई भी, बच्चे से लेके बूढ़े तक के कोई भी खा सकता है। यह बहुत अच्छी कमजोरी नाशक दवाई है, तो इसको आप खा सकते हो। अगर किसी को जॉइंट पेंट है, गठिया है, उसका नस जो है ब्लॉक हो गया है, तो नस में जैसे गठान बन जाता है साइटिका वाले लोगों को, तो उनकी नसें जो है खुल जाती है, उसका रक्त संचार तीव्र हो जाता है।
इसलिए इस औषधि का प्रयोग अक्सर बुढ़ापे में लोग ज़्यादा किया करते हैं। वैसे तो हमारे तरफ सभी लोग खाते हैं, मैं भी बहुत खा चुका हूँ, इसका औषधि का प्रयोग कर चुका हूँ, तो आप भी इसको देख करके पहचान लो और आप भी इसको खा सकते हो दोस्तों। बहुत अच्छी औषधि है, इससे कोई साइड इफेक्ट कभी किसी को ना हुआ है ना होगा, बहुत ही नेचुरल औषधि है, इसको आप भी आराम से खा सकते हो। तो दोस्तों आपने आज स्कंद के बारे में जान लिया। अगर आपने अभी तक नहीं जान पाए हैं कि स्कंद का नाम क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, स्कंद को दोस्तों हमारे तरफ केवकंद के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी पहचानते हो तो आपके तरफ किस नाम से जानते हो जरूर बताना कमेंट बाक्स में, और अपनी राय या कमेंट बाक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। तो दोस्तों आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि इसी तरह की और ज्ञानवर्धक जानकारी आपसे मिस ना हो और आप हमारे साथ हमेशा इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी दुनिया तक फैलाते रहें, अपने जीवन में अपनाते रहें और खुश रहें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।